आमतौर पर बहुत से लोगों ने पत्ता गोभी खाना छोड़ दिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि इसमें पाए जाने वाला कीड़ा टैप वॉर्म उन्हें जानलेवा नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन काफी कम लोगों को पता है कि ये केवल पत्ता गोभी में ही नहीं बल्कि कई खाने की चीजों में हो सकता है, लिहाजा वो चीजों के साथ ये भी जाने कि किस तरह की सावधानियां की जानी चाहिए। पत्ता गोभी वाला कीड़ा वो होता है जो दिमाग में घुस जाता है, उसे टैप मर्दश्यानी फिताक्रमी कहा जाता है। ये कीड़ा खाने के साथ पेट में, आंतों में और फिर ब्लड फ्लो के साथ मस्तिष्क तक पहुंच जाता है। मूलतः ये कीड़ा जानवरों के मल में पाया जाता है। तो चलिए जानते हैं ये कीड़ा पत्ता गोभी के अलावा और कौन कौन सी चीजों में। पाए जाने वाला टैप वॉर्म पानी के जरिए जमीन में और फिर वहां से कच्ची अधपकी सब्जियों या अधपकी एनिमल प्रोडक्ट के जरिए हम तक पहुंचता है। टैप वॉर्म का लार्वा यानी कि एग्स पालक में भी पाए जाते हैं क्योंकि पेड़ पर ना उगकर सीधा जमीन में उगता है, जिसे सीधा जमीन से उखाड़कर खाने या सैलेड में इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए इससे बनी सब्जी के कम पके होने या कच्चा खाने पर टैप वॉर्म का लार्वा शरीर में जाने का डर बना रहता है। मछली में भी डायफलोबोथ्रियम टैपवॉर्म पाया जाता है। ये टैपवॉर्म की एक जीन्स है। मछली से टैपवॉर्म ह्यूमन बॉडी में जाने के चांसेस तब ज्यादा हो जाते हैं जब मछली को अधपका खाया जाता है। इस तरह के टैपवॉर्म पानी के उन मेजबानों में पनपते हैं। बीफ में पाए जाने वाला टैपवॉर्म भी इसे अधपका खाने से ही मानव शरीर में पहुंचता है। हालांकि ये उन्हीं जानवरों से जाता है जो इन्फेक्टेड होते हैं, मवेशी टेनिया सेगनाटा कैरी करते हैं। जब ह्यूमन ये इन्फेक्टेड मीट खाते हैं तो इससे पहले आंतों पर फर्क पड़ता है। पत्ता गोभी वाला कीड़ा टैपवॉर्म फूल गोभी में भी पाया जाता है क्योंकि वो जमीन में ही उगती है। पत्ता गोभी और फूल गोभी ये दोनों एक ही प्रजाति की सब्जी से बनी है। इसमें टैपवॉर्म की जो प्रजाति होती है उसे टाइनी सोलियम नाम से जाना जाता है। हरे धनिया में भी पत्ता गोभी वाला कीड़ा टैपवॉर्म पाया जाता है। टैपवॉर्म से होने वाले इन्फेक्शन टेनिएसिस कहलाते हैं। शरीर में जाने के बाद ये कीड़ा अंडे देता है जिससे शरीर के अंदर जख्म बनने लगते हैं। इस कीड़े की तीन प्रजातियां टीनिया सेगिनाटा, टीनिया सोलियम और टीनिया एशियाटिका होती है। अब बात करते हैं ब्रोकली की। ब्रोकली भी गोभी की किस्म के परिवार की एक सब्जी है। इसका भी फूल खाया जाता है और ब्रोकली में भी टैपवॉर्म का लार्वा मिलता है। आपको बता दें कि टैपवॉर्म की लंबाई 3.5 से 25 मीटर तक लंबी हो सकती है। इसकी उम्र 30 साल तक होती है। इस कीड़े के इलाज के तौर पर आपको दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे ये मर जाए या फिर सर्जरी भी की जा सकती है। इस कीड़े की 5000 से भी ज़्यादा प्रजातियाँ बताई जाती हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.